हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ई इनवाइसिंग सिस्टम से रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें ताकि कोई भी जानकारी आप लोगों से मिस ना हो। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो अभी ई इनवाइसिंग का लिमिट है वो 1 अप्रैल 2022 से 20 करोड़ हो गया है। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा जब ई इनवाइसिंग मैंडेटरी हुआ था उस टाइम जो टर्नओवर लिमिट था वो 500 करोड़ रखा गया था, यानी जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ थी उसके लिए ही ई इनवाइसिंग मैंडेटरी था। उसके बाद इन्होंने 6 महीने बाद रिड्यूस करके उसकी टर्नओवर इन्होंने 100 कर दिया था, उसके बाद 50 करोड़, और अब 1 अप्रैल से इन्होंने 20 करोड़ कर दिया है। जो फ़िलहाल आपकी जो टर्नओवर है वो जिसकी टर्नओवर 20 करोड़ है उसको इनवाइसिंग मैंडेटरी है। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया है ये आपको सामने दिख रहा होगा, इस नोटिफिकेशन के अनुसार 1 अक्टूबर से आपकी टर्नओवर अगर 10 करोड़ है तो भी आपको इनवाइसिंग मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें साफ साफ आप देखेंगे लिखा हुआ है कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर एक्सीड 10 करोड़, यानी 10 करोड़ से जिसकी भी टर्नओवर ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर 17-18 से 17, मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि 17-18 से लेके अभी तक के किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ है तो आपको इनवाइसिंग मैंडेटरी है, जो कि पहले आपका जो था वो 20 करोड़ था। यानी पहले 17-18 से लेके अब तक में जो आपकी टर्नओवर अगर मान लीजिए 20 करोड़ था तो आपको इनवाइसिंग मैंडेटरी था, जो अभी भी फ़िलहाल है। लेकिन ये चीज़ चेंज होकर 1 अक्टूबर 2022 से अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ है तो भी आपको इनवाइसिंग मैंडेटरी हो जाएगा। तो दोस्तों, इनका मेन मकसद जो है ये सारे के सारे ऑनलाइन इनवाइसिंग सिस्टम करेंगे आने वाले कुछ टाइमों में। और ये आपको मैं बता दूं कि 1 जनवरी 2023 से जो ये 10 करोड़ आपकी लिमिट रखा गया है, ये 1 जनवरी 2023 से ये 5 करोड़ करने वाले हैं। तो जो भी आपकी टर्नओवर 17-18 से लेके अभी तक के फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी 5 करोड़ भी टर्नओवर होगी तो 1 जनवरी 2023 से आपको इनवाइसिंग मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अभी तक अभी की जो इनवाइसिंग की लिमिट है वो 20 करोड़ है 30 सितंबर तक, लेकिन 1 अक्टूबर 2022 से जिसकी भी टर्नओवर 17-18 फाइनेंशियल ईयर 17-18 से अभी तक के फाइनेंशियल ईयर में जिसकी भी टर्नओवर 10 करोड़ अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में है तो उसको 1 अक्टूबर से इनवाइसिंग मैंडेटरी हो जाएगा। और आने वाले 1 जनवरी 2023 से आपको 5 करोड़ पर भी इनवाइसिंग मैंडेटरी होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है। आपको सामने देखेंगे कि ये मैंडेटरी 5 करोड़ 1 जनवरी 2023 से ये करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये था नए अपडेट, और आगे भी कुछ अपडेट जैसे ही आएंगे मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि जो भी नई अपडेट आए आप लोगों को बताऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंचे। तो धन्यवाद दोस्तों।